आम आदमी पार्टी के बल्लभगढ़ से प्रत्याशी कुंवर हरेंद्र भाटी का कहना यह है कि आम लोगों की समस्याओं का चुनाव है। R9 टीवी से कुंवर हरेंद्र भाटी ने एक खास बातचीत की। दिल्ली की तर्ज पर आम आदमी पार्टी हरियाणा में भी एक बार फिर से अपनी बिसाख बिछाने के लिए तैयार हो चुकी है। इसको लेकर ज्यादा बातचीत करने के लिए फिलहाल मेरे साथ मौजूद है बल्लभगढ़ से प्रत्याशी कुंवर हरेंद्र भाटी जी। सवाल अगर हम देखें तो दिल्ली की तर्ज पर हरियाणा में भी आता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार अगर आती है हरियाणा के लिहाज से तो क्या वही मुद्दे होंगे जो दिल्ली में होंगे? बिल्कुल, आम आदमी के जैसे आपने बोला कि आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली की तरह यहां पर भी आती है तो उसके क्या मुद्दे होंगे। जैसा कि हमारे नाम से ही पता लगता है, हमारी पार्टी का नाम है आम आदमी, तो वो आम आदमी के लिए जो आम आदमी के मुद्दे हैं उन्हीं पर हम यहाँ पर भी काम करने वाले हैं। जो जैसे आम आदमी को दिल्ली में ज़रूरत थी वही आम आदमी को यहाँ पर भी ज़रूरत है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे रोजगारी की समस्या हो, चाहे महिलाओं की सुरक्षा हो, चाहे बुजुर्गों की समस्याएं हो, तो वही जो आम आदमी के मुद्दे हैं वही इस हरियाणा के या पूरे देश के आम आदमियों के मुद्दे वही हैं जो दिल्ली के अंदर आम आदमी के मुद्दे, उन्हीं को लेकर हम लोगों के बीच में जनसत्ता के बीच में सबके बीच में जा रहे हैं और जो पार्टी की नीतियां हैं उनसे सभी को अवगत करा रहे हैं। चलिए, जब हम आम आदमी पार्टी का नाम लेते हैं तो सभी को पता है कि संघर्षी पार्टी है, जनता से जुड़ी पार्टी है, तमाम वही मुद्दे हैं जो जन समस्याओं के सरोकार से जुड़े हैं। ऐसे में जब हरियाणा की बात करूँ, खासकर इस सीट की बात करूँ जिससे आप प्रत्याशी उतरे हैं, ऐसे में यहाँ क्या मानते हैं कि वो जो समस्याएं हैं जिसका निपटारा जरूरी है? क्योंकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा पानी बिजली एक महत्वपूर्ण समस्या है। देखो, अभी हम जनता के बीच में गए, हमने 8 से 10 हज़ार घर कवर किए हैं। जो हमने जनता के बीच में जाके जाना है, जनता को इस यहाँ की अगर मैं बात करूँ बल्लभगढ़ विधानसभा की, तो यहाँ के विधायक के प्रति काफ़ी रोष है और जनता यहाँ त्रस्त हो चुकी है इन चीज़ों को झेल झेल के। विकास के नाम पे जो पैसा लगाया गया है वो विकास का नाम, विकास की पोल खुल के रह गई है। एक बारिश आती है तो यहाँ वोट लेनी पड़ती है, एक जगह से दूसरी जगह तक नाब का इस्तेमाल करना पड़ता है। वो सीवरेज की समस्या हो तो सारे सीवरेज ब्लॉक हैं। यहाँ पर आप पार्कों की दशा देखेंगे तो पार्क सारे पार्क के नाम पर सिर्फ पत्थर लगे हुए हैं। पार्क के लिए जो पैसा पास हुआ है वो वहाँ पर नहीं लगा हुआ है। रोड सारे तोड़ दिए गए हैं। सीवरेज की समस्या जस की तस है। पानी गंदा आ रहा है, यहाँ बहुत सारी कॉलोनियों में गंदा पानी आ रहा है, गटर का पानी मिक्स हो के आ रहा है। बात करें बिजली की, तो बिजली यहाँ पर जो हमने दिल्ली के अंदर 200 यूनिट फ्री कर रखी है, उसी तरीके की बात करें, या फ्री की बात क्या करो कि जो जितना आप यूज़ कर रहे हो उसका भी डबल ट्रिपल बिल आ रहा है। अभी मैं कुछ दिन पहले किसी के घर गया था डोर टू डोर करके, तो उसका वो कहते हैं कि बेटे हमारे यहाँ तो 3,000 बिल आता था, इस बार 40,000 रुपये बिल आया हुआ है। तो उल्टे सीधे बिल दे रखे हैं, यहाँ बिजली फ्री की बात क्या करें, जो एक्चुअल बिल है उससे भी ज्यादा बिल आ रहा है। तो ये थे हमारे साथ हरेंद्र भाटी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वादा किया है तो निभाना पड़ेगा, लेकिन ये तो जीत के बाद ही बताएगा स्थिति कि क्या जो वादे सरकार करती है वो पूरे करती है या नहीं। क्योंकि दिल्ली के तर्ज पर अगर हरियाणा को लेकर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो स्थिति फिलहाल के तौर पर अभी सामान्य ही नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं भावना, R9 TV फरीदाबाद।